एजुकेशन साथी प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं अब ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा हेलो माय लवली एंड डियर स्टूडेंट हाउ आर यू आई होप यू आर वेरी वेल स्टूडेंट टुडे वी विल टेक न्यू चैप्टर डैड एंड द कैट एंड द ट्री आज हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड जो भी अदर एक्सरसाइज हैं उनका सोल्यूशन करेंगे दिस मॉर्निंग कैट गॉड स्टॉक इन अवर ट्री डैड सेड राइट जस्ट लिव इट टू मी स्टक मीन्स होता है रिमेन्ड ट्रैफ्ट फंस गई और लिव इट टू मी आई विल डू इट वन फाइन मॉर्निंग कैट गॉड स्टॉक अप इन अ ट्री डैट बिलोंग टू द पोएट एक दिन एक सुबह क्या होती है कि एक बिल्ली एक पेड़ में फंस जाती है और पेड़ किसका होता है पोएट का द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली सो दियर कंसर्न बट डैड स्पेसिफाइड एंड एश्योर दैम दैट ही वुड ईजली ब्रिंग द कैट डाउन और डैड ने कहा जब घर के लोगों ने बोला तो डैड ने कहा कि ठीक है बस इसे मेरे ऊपर ही छोड़ दो मीन्स मैं ही इस बिल्ली को निकाल लूँगा इसमें मल्टीपल चॉइस द ट्री वॉज वॉबली द ट्री वॉज टॉल मम सेट फॉर गॉडनेस से डोंट फॉल तो यहाँ पर वॉबली का मीन्स क्या होता है वॉबली का मीन्स है अनस्टीडी अस्थिर फॉर गॉड से फॉर द सेक ऑफ गॉड भगवान के लिए द ट्री वॉज नॉट ईजी टू बी क्लाइंड उस पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं था ड्यू टू इट्स अनस्टिडी मत अस्थिरता हो एंड उसकी बहुत ज़्यादा हाइट थी मम हैड हर फ्यर्स मम को डर था क्या था उनको डर दैट डैड वुड हैव अ बैड फॉल इफ ही एवर ही मेक्स एन अटैम्प टू क्लाइम अप द ट्री तो उन माँ ने कहा भगवान के लिए गिरना मत किसको कहा डैड को कहा क्योंकि वो जानती थी कि वो उस पेड़ पर ठीक से चढ़ नहीं पाएंगे नेक्स्ट फॉल स्कोप डैट अ क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन सेड इट्स स्लिप ही लैंडेड एंड इन द फ्लावर बैड वाई वॉज द ट्री नॉट ईजी टू क्लाइंब उस पर चढ़ना आसान क्यों नहीं था द ट्री वॉज टॉल बट वीक एंड अनस्टीडी वो पेड़ ऊँचा था कमजोर था और अनस्टीडि अस्थिर था वट वॉज मम्स फियर माँ का फियर क्या था क्या था उनका डर मम्स फियर वॉज द डैड वुड फॉल जो फादर है वो क्या हो जाएंगे गिर जाएंगे डिड हर फियर प्रूव टू बी ट्रू जो उनका डर था गिरने का वो सही हुआ ये हर फियर प्रूफ ट्रू मीन वो उनके डैड क्या हो जाते हैं नीचे गिर जाते हैं है, है लाभ मोकिंगली मजाक उड़ाते हुए हंसना. क्लाइंबर वन हु क्लाइम्स जो कहीं भी चढ़ जाता है चाइल्ड प्ले वेरी ईजी बहुत आसान काम है यानी कि वो डैड कह रहे हैं कि उस पेड़ पर चढ़ना क्या है उनके लिए चाइल्ड्स प्ले बहुत आसान काम है गॉट आउट फेस्ट लेकर आए क्या लेकर आए वो लैडर लैडर का मीन्स क्या होता है चाइल्ड प्ले चाइल्ड प्ले का मीन्स क्या बताया हमने

लैंडेड मीन्स क्या है केम डाउन गिरे कहाँ गिरे फ्लावर बैड फ्लावर बैड मीन्स फ्लावर बेसिन फूलों की क्यारी में वो क्या हो गए गिर गए कौन गिर गए डैड गिर गए तो ये यहाँ पर हमने इसके आपको मीनिंग्स बता दिए हैं तो डैड लाफ्ट क्यों लाफ किया डैड ने डैड लाफ एट मम फॉर द वियर आइडिया ऑफ़ हिज फॉल कि गिरूँगा डैड हंसे मेरा जैसे आरोही आरोही में जो चढ़ने वाला पेड़ पर ही बोस्टेड ऑफ हिज क्लाइंबिंग स्किल एंड कॉन्फिडेंटली मोक्ड दैट द एक्टिविटी वॉज़ अ चाइल्ड्स प्ले उन्होंने ऐसे कहा ऐसे हंसे कि जैसे जो उस पेड़ पर चढ़ना उनके लिए क्या है बच्चों का खेल है इन नो टाइम उनके पास कोई टाने ही ब्रॉड अ लैडर टू क्लाइंब अप द ट्री और एक सीढ़ी लेकर आए किस पर चढ़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने के बट इट स्लिप्ड लेकिन क्या हो गए स्लिप हो गए एंड डैड फेल डाउन इन द फ्लावर बेड और फूलों की क्यारी में वो क्या हो गए गिर गए तो ये इस पैराग्राफ का इन द फ्लावर बेड मीन्स फूलों की क्यारी में कौन गिरे डैड गिरे तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक इस पैराग्राफ से रिलेटेड हम ले लेते हैं द फादर वॉज श्योर ऑफ हिज क्या श्योर sure था उन्हें गुड क्लाइंबिंग स्किल कि मैं आराम से इसमें चढ़ जाऊँगा द फादर ब्रॉड द लैडर फ्रॉम कहाँ से लेकर आए वो उस लैडर को सीढ़ी को द सेड जो स्टोर हाउस था उससे लेकर आए तो द सेड यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा द क्लाइंबिंग अटैम्प्ट वॉज द क्लाइंबिंग अटैम्प्ट व क्या था उनका जो पेड़ पर वो चढ़ रहे थे वो क्या हुआ सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हुआ तो वो हो गया उनका अ फेलियर नेवर माइंड सेट डैड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हियर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट अब क्या हुआ जब वो नीचे गिर गए तो नेवर माइंड इट डजेंट मैटर कोई बात नहीं अभी कोई बात किसके लिए नहीं है जो गिर गए और गिरे कौन डैड डैड वॉज क्वाइट एम्बरेस्ड एट हिज फॉल जब वो गिर गए तो थो उन्हें थोड़ी शर्म महसूस हुई ही गोट अप इंस्टेंटली एंड ब्रश ऑफ द डर्ट फ्राम हिज फेस हेअर एंड क्लोथ और तब उन्होंने जल्दी से उठे और अपने धूल झाड़ा कहाँ से अपने फेस से अपने बालों से और अपने कपड़ों से ही अश्योर हिज फैमिली उन्होंने अपने फैमिली को एश्योर किया कि दैट एवरीथिंग वॉज फाइन सब चीज़ ठीक है एंड डिस्पाइट द इंसल्टिंग इंसिडेंट लेकिन इसमें इंसल्टिंग महसूस करने के बजाय वी विल ट्राई अगेन प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ द वे मम सेट डोंट फॉल अगेन ओके अब डैड के दिमाग में क्या है वो क्या ट्राई करना चाहते हैं प्लान बी और सबको बोलते हैं स्टैंड आउट ऑफ द वे रास्ते से सब अलग हो जाओ और मम फिर क्या कहती है उन्हें कि दोबारा मत गिर जाना फॉल अगेन ए डैड फनी जो देन ही स्वंग हिम अप ऑन अ ब्रांच इट ब्रोक तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है आपका फनी मीन्स होता है आपका इंटरेस्टिंग या अम्यूजिंग मजेदार स्वंग मीन्स हो गया डेंगोल्ड झूले ब्रांच मीन्स ब्रांच ब्रांच मीन्स आपका हो गया पेड़ की शाखा और ब्रोक मीन्स टूट गई फादर रिमार्क फादर ने क्या रिमार्क किया मीन्स उन्होंने दोबारा कहा क्या कहा उन्होंने दैट मदर वॉज अननेसेसरी अननेसेसरीली फादर रिमार्क दैट मदर वॉज अन नेसेसरली गेटिंग स्क्योर एंड टू थिंक ही वुड फॉल वॉज अ मेयर जोक ही देन स्वंग अप ऑन द ब्रांच एंड ही वॉन्टेड टू रीच द स्पॉट वियर द कैट वॉज सीटेड बट अनफॉर्चुनेटली द ब्रांच ब्रोक अब क्या होता है फिर डैड बोले कि ये अच्छा मजाक है कि मैं फिर घिरूँ और फिर वह एक डाल के ऊपर लटके और वो क्या हो गई वो डाल फिर टूट गई तो व्हाट वाज द फनी जोक अकॉर्डिंग टू द डैड हिज आइडिया वाज फॉलिंग अगेन वाज अ फनी जोक जब वो दोबारा उनका आइडिया था कि वो नीचे गिरे तो वही उनके लिए क्या था फनी जोक व्हाई डिड ही स्विंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच इन ऑर्डर टू क्लाइम द ट्री जैसे कि वो उस पेड़ पर चढ़ना चाहते थे वट डज वर्ड इट रेफर टू इन द लास्ट लाइन इस जो लास्ट लाइन है यहाँ पर इट इट ये लास्ट लाइन में ये किसको रेफर कर रहा है यहाँ पर तो वर्ड इट रेफर्स टू द ब्रांच ऑन विच डैड हिमसेल्फ उस ब्रांच को रेफर कर जिसमें डैड क्या हो रहे हैं लटक रहे हैं या झूल रहे हैं डैड लैंडेड वेलो बैक ऑन द डैग मम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक लैंडेड वैलोप का मीन्स क्या होता है लैंडेड वैलोप लैंडेड वेलोप का मीन्स होता है फेल हैवली धड़ाम से गिरे बैक का मीन्स होता है फ्रॉम वियर ही हैड गॉन अप वापस जहां वो गए थे वहीं से क्या हो जाते हो नीचे गिर जाते हैं एंड डैक का मीन्स द फ्लोर डैक मीन्स फ्लोर फर्श पर डैड फेल हैवली ऑन द फ्लोर फ्रॉम वेयर ही हैड क्लाइंट अप जहाँ से उन्होंने चढ़ना शुरू किया था वहीं वो फ्लोर पर क्या हो जाते हैं गिर जाते हैं कौन गिर जाते हैं डैड मदर नाउ कुड नॉट कंट्रोल हर सेल्फ अब मदर भी फिर कंट्रोल नहीं कर पाती हर अपने आप को एंड टोल्ड हिम नॉट टू ट्राई अगेन अब उन क्या कहती है कि दोबारा कोशिश मत करना सी वॉन्टेड हिम दैट ही दैट इफ़ ही ट्राइड अगेन ही वुड डेफिनेटली बी फैटली हर्ट और अगर उन्होंने दोबारा कोशिश करी चढ़ने की तो दोबारा बुरी तरह से क्या हो सकती है उनको चोट लग सकती है उनकी गर्दन भी टूट सकती है मीन्स जहाँ से उन्होंने डैड धड़ाम करके गिर गया और वापस आए फर्श पर जहाँ से वो चढ़े थे वहीं से वो नीचे गिर गए मम्मी और मदर क्या बोली उन्हें बस कर दो वरना गर्दन तोड़ोगे तो ये इसका इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है तो इससे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लैंडेड वेल ऑफ मीन्स क्या होता है लैंडेड वैल ऑफ मीन्स होता है फेल हैवली धड़ाम से गिरना और ही लैंडेड ऑन द कहाँ पर वो लैंड हुए जब वो धड़ाम से गिरे तो कहाँ पर गिरे फ्लोर पर फर्श पर मम अगेन एडवाइज हिम मम ने क्या एडवाइस दिया उन्हें नॉट टू ट्राई क्लाइंबिंग अगेन दोबारा चढ़ने की कोशिश मत करना ये उनकी वार्निंग थी किसके लिए डैड के लिए रबीस सेड डैड नाउ वी विल ट्राई प्लान सी अब डैड के पास कौन सा प्लान है बी तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अब डैड के पास प्लान सी आ गया है ईजी एज वक्लिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी अभी भी डैड का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या नहीं हुआ डाउन नहीं हुआ तो रबिज़ का मीन्स क्या होता है बच्चों रबिश का मीन्स होता है नॉन सेंस तो नॉन सेंस मीन्स बकवास ट्राई ट्राई का मीन्स पु टू यूज़ यानी कि आजमाया क्या आजमाया उन्होंने क्या आजमाने की कोशिश कर रहे हैं डैड डैड अजमाने की कोशिश कर रहे हैं सी विंकिंग विंकिंग का मीन्स होता है मेकिंग द आई लीड मूव पलक झपकाना यानी पलक झपकती क्लाइंबर वन हु क्लाइम्स जो पेड़ पर चढ़ जाता है या जो कहीं भी चढ़ सकता है अब इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डैड डिड नॉट पे एनी ही टू मम्स सीरियसनेस जो भी मम कह रही है उन पर उन्होंने उस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया ऑफ इज गेटिंग अ फैटल इंजरी गिरने पर भी जो उनकी चोट लगी टू ड्रॉप द आइडिया ऑफ द क्लाइम्बिंग द ट्री वॉज अटर नॉन्स फॉर डैड और ही वॉज़ बैंड ऑन द ट्राइंग प्लान्स ही अब उन्होंने वो उन्होंने कहा कि जो भी गिरने का प्लान है ये भी नॉनस है और उन्होंने प्लान्स ही इम्प्लीमेंट किया फ़ादर कंसिडर्ड हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट क्लाइंबर वो अपने को दिखाना चाहते थे कि वो एक एक्सपर्ट क्लाइंबर हैं वॉज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट अटैम्प्ट टू क्लाइम द ट्री अब उन्होंने तीसरी कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा बकवास डैड बोले कि ये बकवास है सब चीज़ें अब हम योजना सी अजमाएंगे कौन कह रहे हैं डैड और पलक झपक झपकाने जैसे ही है मेरे मीन्स मेरे जो मैं एक क्लाइंबर हूँ जो मैं अच्छे से चढ़ जाता हूँ उसके लिए ये जो प्लांट्स ये एक प्लग झपकाने जैसा ही है तो इस पैराग्राफ के भी बच्चों हम क्वेश्चन ले लेते हैं वट वाज रबिस तो रबिस क्या था मम हैड गिवन अ वार्निंग टू डैड जो मम उनके दे रही थी ना बार बार वार्निंग पेड़ पर मत चढ़ो गिर जाओगे इट वॉज नॉट टू ट्राई टू क्लाइंब द ट्री अगेन एंड डैड सेट डेड वार्निंग वॉज रबिस तो उसी वार्निंग को कि, कि पेड़ पे मत चढ़ो गिर जाओगे तो उसी वार्निंग को डैड ने क्या बोला ये रबिस है वट वॉज द प्लान्स ही प्लान्स ही क्या था द प्लान्स ही वॉज टू क्लाइम द ट्री क्लाइम द गार्डन वॉल प्लान्स ही उनको गार्डन वॉल पे चढ़ना है एंड फ्रॉम दियर जंप ऑन द ट्री पहले वो गार्डन की वॉल पे चढ़ेंगे और उससे क्या कर लेंगे वो उस वॉल उस पेड़ पर जंप कर लेंगे तो इनका प्लान सी है किसका डैड का गिव द मीनिंग ऑफ द लास्ट टू लाइन्स तो लास्ट टू लाइन्स की यहाँ पर जो मीनिंग है एज एजिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी तो डैड कॉल्स हिमसेल्फ अ ग्रेट क्लाइंबर अपने को बहुत ज़्यादा गड़े ग्रेट क्लाइंबर मानते हैं डैड और ही सेज टू एक्सक्यूट द प्लान सी एंड वॉज एंड ईजी फॉर हिम एज टू मेक एन आई लीड मूव मीन्स प्लग झपकने जैसे ही उनके लिए काम है किसके लिए डैड के लिए प्लान सी में कि मीन्स ये काम उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है देन ही क्लाइंड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल गैस वट ही डिडन्ट फॉल अब क्या हुआ कि इस वाले पैराग्राफ में गैस वर्ड कल्पना करो कि क्या हुआ अब हम कल्पना करते हैं कि क्या हुआ डैड क्लाइम्ड ऑन द गार्डन वॉल टू टेक अ बिग लीप ऑन द ट्री अब वो गार्डन वॉल पर चढ़े जैसे उनका प्लान सी था और वहाँ से उन्होंने जंप किया और कहाँ चढ़ गए पेड़ पर टू रीच द कैट जहाँ पर वो बिल्ली थी और उसके बाद क्या हुआ देन ही क्लाइं अप हाई ऑन द गार्डन वॉल माम वॉज अ फ्रेड और मदर क्या थी वो डर गई थी दैट ही वुड फॉल कि वो क्या हो जाएंगे गिर जाएंगे बट वन कुड नॉट इमेजिन लेकिन कोई भी इसको कल्पना नहीं कर सकता कि उनके साथ अब क्या हुआ ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रक राइट ऑन द कैट काम्प छक्टली बिल्कुल सही क्रूक मीन्स द प्लेस वीअर समथिंग बैंड ऑनवर्ड्स खोकर ट्रंक मीन्स स्टैम एंड राइट मीन्स एक्जैक्टलीट टुक अ बिग लीप वॉज सक्सेसफुल अब उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई और उस छलांग में वो क्या रहे सक्सेसफुल रहे ही लैंडेड एग्जैक्टली इन द प्लेस प्लेस क्रुक ऑफ द ट्री वियर द कैट वॉज सी और वह सही जगह पर पहुँच गए पेड़ के उस खोकल में जहाँ पर बिल्कुल वो बिल्ली बैठी थी यानी कि बिल्ली के पास वो पहुँच गए उन्होंने इतनी बड़ी जंप लगाई कि वो बिल्ली के पास पहुँच गए कौन पहुँच गए राइट ऑन द कैट मीन्स जहाँ पर वो कैट बैठी थी वहीं वो पहुँच गए कौन डैड वियर वॉज अ डैड वैन ही गेव अ लीप जब उन्होंने लीप लगाए तो कहाँ पर पहुँचे वो तो डैड वॉज ऑन द गार्डन वॉल वेन द ही लीप जब उन्होंने छलांग लगाई तो वो वहाँ कहाँ पर थे वो गार्डन वॉल पे थे वाई डिड ही टेक द लीप क्यों उन्होंने छलांग लगाई ही टुक द लीप टू गेट ऑन द ट्री पेड़ पर चढ़ने के लिए वट वॉज द रिजल्ट ऑफ द लीप और जो उन्होंने छलांग लगाई उसका क्या रिजल्ट रहा हे डि द ट्री बट द कैट है कैट लेकिन जब उन्होंने ट्री पेड़ पर जम्प लगाई तो क्या हुआ कि उस बिल्ली ने जंप कहाँ लगा दी नीचे लगा दी और उसको बचाने के लिए डैड ने भी क्या किया जंप लगा दी नेक्स्ट पैराग्राफ द कैट गेव अ यल And sprang to the garden, pleased as punch to be safe, the safe and sound. Yelka means hota hai, cry. Cheek. Sprang means jumped. Pleased as punch. Very happy. Pleased as punch means very happy. And safe and sound means. अनहर्ट सही सलामत सेफ एंड साउंड सही सलामत द कैट हैड टू फेस अ टेरेबल मोमेंट बहुत ही जो ख़तरनाक मोमेंट था किसके लिए कैट के लिए सी यर्ड एज इट वॉज फ्राई टोन टू सी डैट लैंडिंग ऑन हर इन टोन द कैट लैंडेड ऑन द ग्राउंड इट लेफ्ट सो प्लेस्ड दैट इट हैड कम डाउन सेफ एंड साउंड बिल्ली ने क्या करा एक चीख मारी और क्या हो गई वो जमीन पर कूद पड़ी बहुत खुशी थी बहुत वो बिल्ली क्या थी बहुत खुश थी और सही सलामत थी सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिरकिंग स्मग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड डैट स्टिल स्टक अप द ट्री तो स्माइलिंग मीन्स दुष्टता से हंसते हुए स्मग मीन्स टू सेटिस्फाइड टू सेटिस्फाइड फ्रेंड्स अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं वाई वॉज डैड श्योर ही वुडंट फॉल क्यों उनको पक्का भरोसा था कि वो नहीं गिरेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर है डैड वॉज श्योर दैट ही वुडंट फॉल एज ही थाट ही वॉज अ गुड क्लाइंबर एंड डेट क्लाइंबिंग अ ट्री वॉज अ चाइल्ड्स प्ले डैड को पूरा भरोसा था कि वो नहीं गिरेंगे क्योंकि उन्होंने पेड़ पर चढ़ना उनके लिए क्या है एक वो एक वो सोचते थे, थे कि वो एक अच्छे क्लाइंबर हैं और पेड़ पर चढ़ना उनके लिए बच्चों का खेल है डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस इन प्लान ए डैड टुक आउट अ लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड डैड क्या करते हैं एक सीढ़ी लाते हैं कहाँ से स्टोर हाउस से एंड प्लेस इट अगेंस्ट द ट्री और पेड़ के आगे रख देते हैं हावर इट स्लिप्ड और क्या हो जाते हैं तो भी वो स्लिप हो जाते हैं एंड ही लैंडेड ऑन द फ्लावर बेड और फूलों की क्यारी में आकर वो गिर जाते हैं तो ये उनका प्लान ए था किसका डैड का विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसिज डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट द फ्रेज इन द पोयम दैट एक्सप्रेस इज डैट सेल्फ कॉन्फिडेंस द बेस्ट इज चाइल्ड्स प्ले दिस इज जब वो कहते हैं चाइल्ड प्ले बच्चों का खेल प्लान सी वॉज अ सक्सेस वट वेंट रॉन्ग दैन जो प्लान सी था उनका सक्सेस हुआ या कुछ गलत हुआ उसमें क्या हुआ द प्लान सी वॉज अ सक्सेस एज डैड मैनेज टू लिव क्लाइम द वॉल विदाउट फॉलिंग बिना गिरे हुए वो वॉल पर चढ़ जाते तो उनका प्लान सी सक्सेसफुल रहा हाव एवर वैन ही लिप्ड ऑन टू द ट्री ही लैंड इट राइट व्यर द कैट वॉच स्टक और जहाँ पर वो बिल्ली बैठी थी वो वहीं पर वो पहुँच जाते हैं दिस फ्राइटोट द कैट एंड इट जम्प फ्राम द ट्री और जब वो डर जाती कि डैड वहाँ पहुँच गए हैं तो वो जम्प पेड़ से कूद जाती है एंड लैंडेड सेफली ऑन द ग्राउंड और सुरक्षित उस मैदान में पहुंच जाती है हैंस द कैट वॉज फ्री कैट तो फ्री हो जाती है द प्लान वॉज सक्सेस हाव एवर वट वेंट रॉन्ग लेकिन गलत क्या हुआ दैट नाउ डैड वॉज स्टक ऑन द ट्री एट द सेम प्लेस और जहाँ वो बिल्ली फंसी हुई थी गलत ये हुआ कि जहाँ पर वो बिल्ली फंसी थी वहीं पर वो डैड भी अब फंस गए तो ये उनके साथ रॉन्ग हुआ प्लान सी में The cat was very happy to be on the ground, put out the phrase used to express this idea. The phrase used to express the mentioned ideas is placed as punch to be safe and sound. Describe the cat and dad situation in the beginning at the end in the po of the poem. In the beginning of the poem, the cat was stuck. ऑन द ट्री एंड डैड वॉज ऑन द ग्राउंड स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि जो बिल्ली होती है वो पेड़ पर पे ही रहती है और डैड क्या होते हैं ग्राउंड में गिर जाते हैं हाव एवर एट द एंड ऑफ द पोएम द सिचुएशन वॉज टोटली रिवर्स्ड विड स्टक ऑन द ट्री एंड द कैट फ्री ऑन द ग्राउंड डैड तो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो कैट थी वहाँ स्टक हो जाते हैं और डैड की जगह कौन फ्री हो जाती है कैट ग्राउंड पर आ जाती है तो ये सिचुएशन हो जाती है लास्ट में वाई एंड वैन डिड डैड से इच ऑफ द फॉलोइंग कब कहा उन्होंने फॉल नेवर माइंड फनी जोक रबिस डैड सेट फॉल वैन मम वॉन हिम अबाउट फॉल वाइल्ड क्लाइंबिंग द ट्री ही सेट सो स्कॉनफुली Dad said never mind when he fall from the ladder due to the slip for the first time and he said to be, he said so to make clear that everything is all right. Dad said funny joke when mom warned him of falling again. He said so because he was overconfident of the success of the, his plan B. वॉज सेट रॉबिस वेन मम आस्क हिम टू स्टॉप एज ही विल ब्रेक हिज नैक आफ्टर ही हिज प्लान बी फेल्ड एंड ही सेड सो बिकॉज ही थाट दैट हिज प्लान सी विल वर्क एंड ही विल क्लाइंब द ट्री इजीली और लास्ट क्वेश्चन है आपका

ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ क्लाइंबिंग ट्री एंड एडिड मोर ह्यूमरस टू द पोएम द डायलॉग इज रिटर्न इन द मोर फनी वे तो स्टूडेंट आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर हैं इसको आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से करिएगा इसको एक या दो बार फिर अच्छे से सुन लीजिएगा जिससे कि आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ओके स्टूडेंट टेक केयर